ऐसा टूटा है तमन्नाओं का पिंदार के बस इस हकूमत में, वो उजड़ा है कारोबार के बस। वालेहाना जो पहुंचते थे तेरे धरनों में, जो तुझे लाए थे कहते हैं बार बार के बस। हालांकि गैस नहीं आ रही, फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चाल है जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए, आप लोग सुनाए, आप कैसी हैं? ठीक ठाक सर। जैकेट और जीन आप पे बहुत जचती है, बाकी तो किसी पे नहीं जचती ना। लेकिन सर तुसी ऐनक क्यों नहीं लांदे यार? मुझे कोई लेके नहीं जाता। पहले तो तुसी दो साल ऐनक लांदे से ना, फिर लानी छड़ दी। क्यों? एक दिन ऐनक पा के ना गुड्डा लुट रहे ने, छत्ता टप रहे ने, अद्धे घंटे बाद याद आया गुड्डा ते ऐनक ते बने आ। मोटे शीशे वाली ऐनक लाई, बच्चे इन्हां नूं आके पुछण ऐनक वाला जिन तुहाडा कदम। अच्छा एक बार ये ऐनक मोटे शीशा ने लैके तो मीनारे पाकिस्तान से चढ़ गए। अच्छा। मैं क्या उत्ते जाके ऐनक तुझे फटाफट क्यों पाई? कहना मैं वेख रहा गुजरा ले की हो रहा है। ऐनक ला के तो गड्डी चला रहे काले शीशे वाली, तो काले शीशे ऐनक क्यों चलाते, गड्डी क्यों चलाते जे? कहते सर नाल दे नूं पता नहीं लगता कि मैं सुता। डॉक्टर को नजर चेक कराने गए तो उन्हें कहा तेन ऐनक लगेगी तो चमड़े की ला ली। अच्छा काली ऐनक ला के तो चाह पी रहे। अच्छा। मैं क्या ऐनक ला के क्यों चाह पींदे हो? कहते इस तरह तू आखा च नहीं पैदा। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली के अंदर, जनाब दीवान सचल। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल किरण खान। वेलकम टू द शो जी। दीवान जी पहली मरतबा आए हैं, मेरा बड़ा जी चाह रहा था कि दीवान जी के लिए खूबसूरत शेर लिखूं, लेकिन मैंने कहा जी इसके लिए फिर पूरा दीवान पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने फिर किरण जी के लिए एक शेर लिखा है जी। अच्छा जी, आप शेर सुनेंगे, आपको लगेगा कि मुझसे भी खूबसूरत शेर है। हाय 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 हाय। अच्छा, किरण खान फैशन की दुनिया की मॉडल है। अच्छा, और नंबर वन है। अगर मुझसे पूछे तो सुबह मोहब्बत की रंगी किरण है, इन्हें नित नए फैशनी मेलों में जब भी मैं देखता हूं तो लगता है जैसे हमारे चमन का ये रंगी चमन है। चमन है। वाह 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 वाह, क्या बात। कंडे दीन फुल दी गल्ले, हाय हाय, कंडे दीन फुल दी गल्ले, कंडे दीन फुल दी गल्ले, खासां दी आमां दी कुल दी गल्ले, खासां दी आमां दी कुल दी गल्ले, हर कोई इत्थे विकदा यारो। अच्छा। हर कोई इत्थे विकदा यारो, अपने अपने मुल दी गल्ले। जी सचिन साहब, क्या हाल है आपके? जी आपकी दो खैरियत से हैं, अल्लाह की बरकत। आई बिलीव दिस इज योर फर्स्ट टाइम ऑन द शो। ऑन योर शो? यस। एंड यू हैव सीन द शो? आई डोंट एक्चुअली वॉच टेलीविजन। यू डोंट वॉच टेलीविजन? एनी स्पेसिफिक रीजंस फॉर दैट सर? यार मैं आई गिव इट अप इन 2013। 2013 में ऐसा क्या हुआ कि आपने छोड़ दिया? वो जहां भी टीवी खोलते थे कोई ना कोई बैड न्यूज ही दिखाते थे आप लोग। तो जब 18 में गुड न्यूज मिली तब भी ना आपने शुरू की? यार तब भी नहीं देखे। मैं अगर खुद किसी टॉक शो में तो जाता रहता हूँ, लेकिन वो भी क्यों नहीं देखता? अच्छा, वो कोई भी नहीं देखते ही नहीं है मेरे कमरे में? टेलीविजन है ही नहीं। अच्छा, टेलीविजन कमरे से ही निकाल दिया आपने? और वो कहाँ गया? घर वाले देखते? बीवी ले गई। अच्छा, बीवी के कमरे पे चला गया। वो घर वाले बाकी तो देख रहे हैं ना? हाँ घर वाले तो। अच्छा, मैं समझा कि इन्हें किस तरह से देता था। बैड आइडिया, एंटरप्राइजिंग आइडिया ये भी है। भाभी के कमरे में रखा है, लेकिन बाजी भी कपड़े इस्त्री करके उसमें रखती है। मगर 2013 के बाद आपने टीवी छोड़ दिया? मैंने टीवी छोड़ दिया। और ये जो बाकी हालात हाजरा की खबरें हैं, क्योंकि आप एक पॉलिटिक्स में हैं तो बहुत आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। सुबह को अखबार देख लेते हैं, उसके बाद मैं दिन में 10-20 बार, वैसे भी फोन तो होता ही है जेब में, सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैक, सोशल मीडिया के थ्रू न्यूज मिल जाती है। ये मेरे साथ होता है बहुत दफा, किसी टॉक शो पे जा रहा होता हूँ तो मेरे को एंकर से ही जाके पूछना पड़ता है, भाई आज की अगर कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट है तो आप ही बता दें। खत्म हो गया फिर तो कोई खबर ना मिली आपको।
पैकेज नहीं होगा उनके पास। जेब में दो फोन है, चार सिम है, किसी ना किसी पे तो चल ही रहा होगा। सर आप क्या इजी लोड करके देते हैं इतने फोन? नहीं यार। अच्छा दो दो फोन और चार सिम रखी हुई है आपने सचल साहब? माशाल्लाह भाई, दो इसमें चार होगी ना। अरे वाह 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 सर, तो ये चारों सिमों पे यानी कि कॉलें आती रहती हैं? एक ही नंबर है एक्चुअली, चार डिफरेंट कोड्स। आपने बराबर का मौका दिया हुआ है, जो जो नेटवर्क पाकिस्तान में अवेलेबल है। यार होता ये कि ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती, तो अगर चारों की चॉइस हो तो प्रॉब्लम खत्म हो जाता है ना। मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सिमें भी आप लोगों के पास चार हैं और आपने पॉलिटिक्स के अंदर पार्टीज भी चार रखी हुई हैं जो कि चला रही हैं आपके साथ। मैं तो जिंदगी में एक ही पार्टी में रहा हूं। नहीं, आप एक रहे हैं मगर आपकी हुकूमत जो है उसमें तीन चार पार्टियां आजकल वो हैं। इलाहाक हुआ है, एमक्यूएम भी है, काफ लीग भी है, काफ भी है, एमक्यूएम भी है, जीडीए भी है, बीएनपी भी है, ये सब चार से ज्यादा है, चार से ज्यादा है, बल्कि मास सिम में ज्यादा है इनके पास। जब काफ लीग की हुकूमत थी मैं भी उनका सपोर्टर था जी। कभी काफ लीग को आप लोग पंजाब वाले ही सपोर्ट करते रहे, हमने क्या किया सिम वाले? मगर एक चीज तो है कि आप लोगों ने बीच में तो रखा था अरबाब साहब के जमाने में, काफ लीग वहां भी थी। थी लेकिन उस टाइम पे मैं सियासत में नहीं। अच्छा नहीं सर, आपके सियासत के होने पहले जो सियासत थी उसको मानना तो पड़ेगा। नहीं मैं नहीं मानता ये आए तो। अच्छा ये जहां से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू। क्या जबरदस्त बात की आपने सचल साहब के, जहां से आप खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, मगर कभी दिल में यह ख्याल आया कि आप सबसे पीछे खड़े होते हैं? अगर आप टाइम दे तो लाइन फिर भी वहीं से लाइन वहां से शुरू होती है। मैडम आपके क्या हाल है? मैं ठीक हूं। आपने शो देखा हुआ है? आपके घर में टीवी निकल गया? नहीं। आपने देखा हुआ है और आपको अंदाजा है? जी ठीक है। क्या अंदाजा है वो आप मतलब बताएं? सतल साहब को भी आइडिया तो उन्होंने नहीं देखा हुआ तो उनको भी को बता बयान करें। नहीं एक्चुअली उनको बता रही थी, बहुत अच्छा फनी शो है यहाँ पे, बहुत मतलब एंटरटेनमेंट होती है। आप उन्हें कन्विंस कर रही है लेकिन वो बिल्कुल कन्विंस नहीं है, इस बात से कन्विंस नहीं है वो। नहीं आप इंजॉय, नॉर्मल टॉक शो में दूसरे गेस्ट से लड़ाई होती है। आपने ऐनक क्यों साफ किया? आप धुंध में गाड़ी चला रहे हैं। धुंध में हम बैठे हुए हैं, मास्क में ये इश्यू है, मास्क में ये बिल्कुल फॉगअप हो जाता है वो मास्क के अंदर। आप पहनते नहीं है ऐनक? नहीं मतलब पहनते मास्क तो नहीं, नहीं सर ये पहनते हैं। आप कभी इनको देखे गाड़ी चलाते हुए? गाड़ी चलाते हुए ये इंटेलेक्चुअल होने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, शो पे बैठ के यंग होने की कर रहे होते हैं। शो में इंटेलेक्चुअल लगना चाहिए कि लोग इंप्रेस हो। नहीं ना सर, गाड़ी में तो वैसे भी कोई नहीं देखता। मगर सर ये वो वाला शो नहीं है ना, यहाँ पे यंग लगना होता है। इंटेलेक्चुअल सिर्फ गाड़ी में तो लगना। क्या हम बुड्ढों को क्यों बुला लिया? अरे नहीं नहीं सर, हमें आपसे पुराने पुराने हमने पीस रखे हुए हैं। अच्छा फिक्र ना करें, यू आर मच मोर यंग। हमने तो ऐसे लोगों को किया हुआ है कि बस हमें भी याद नहीं है ना उनको याद है आपके शो में ऐसे। शांति का निकालें, ये आपसे 6 साल बड़े निकलेंगे। आपकी सोच है, दिस कॉस्ट अस अ लॉट। अच्छा तो किरण जी आपने कहा कि आप तो शो देखती है और एंटरटेनिंग भी होता है। Exactly. क्या आपको लगता है सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग? बस ये लोग जो करते हैं वो बहुत अच्छा। अच्छा यानी कि मैं तो चला जाऊं ना? नहीं मगर आप कह रही हैं कि ये सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग आपको लगते हैं? बहुत। इनका तो देख जब ये बात कर रहे हो तो हंस-हंस के पेट में दर्द। कौन से वाले? एक मिनट, इफ्तिखार साहब तो ऑफ कोर्स, वो तो इफ्तिखार साहब जो बात कर रहे हो तो हंस-हंस के पेट में दर्द। जो भी बात करते हैं वो बहुत फनी होती है। अच्छा और ये दरमियान वाले? ये भी बहुत है। यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। मुझे ये बताएं किरण जी की कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या नहीं? टू बी ऑनेस्ट इतना नहीं है। नहीं है बिल्कुल? वोट वगैरह कास्ट करती हैं? वोट कास्ट किया था बताएं मुझे सर, कुछ बातें खुदा ने अकल तो दी है, यूज कर ले आप भी, आपकी भी निकल आएगी। मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं तो कुछ कह ही नहीं, मैं भी कुछ नहीं कह रहा, खुदा ने अकल दी है, इस्तेमाल कर ले। समझदार के लिए इशारा काफी। मगर आप कह रही हैं कि आप पछता रही हैं आप? एग्जैक्टली। और क्या इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर आप किसी और को वोट देंगी? इंशाल्लाह। क्या आप जिनको वोट देंगी वो इस वक्त बहुत तिलमिला रहे हैं? मैं अपना नाम कोई नहीं ले रहा, मैं सिर्फ जुमले बोल रहे हैं। नहीं 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 ऐसा क्या वो है जो आजकल सिर्फ लीकेज पे लीकेज किए जा रहे हैं? बस ये तो आप देखेंगे ना इंशाल्लाह। नहीं नहीं मगर हमें अंदाजा तो होना कि कोई तब्दीली आएगी आपके वोट के बाद? अगली बार आएगी, आएगी, अब आएगी। पहले जैसे बहुत सुना था कि तब्दीली आएगी, बट एट द एंड क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ओए, कुछ ओए, भी नहीं मैं, हुआ। मैं बता सकता हूं जो हुआ सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। किनको देंगी? यस मेरे तो देखें और से नहीं देखे, मैं आंखों में देख के बताता हूँ ना।
सर जो आता है मैं सबका वोट मगर सर सर मुझे एक बात बताएं, अब कुछ साइज बड़ा होता जा रहा है इस ग्रुप का, जो कि कहता है कि जी हमने वोट दिया था एंड देन व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग वो नहीं हुआ, अब हमारा दिल जो है वो खराब हो गया है, नेक्स्ट टाइम हम नहीं देंगे। आपको भी कराची में ये मिलता है सिंध की साइड पे? जी देखें, इश्यू तो है, दिस इज अ जेन्युइन इश्यू, बट जो सोल्यूशन है वो ये नहीं है कि जिन्होंने 50 साल से पाकिस्तान में बेड़ागर किया हुआ था आप दोबारा उनको वोट दें, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। ये जो कह रही थी वो मैं सुन तो रहा था एंड आई एग्री कि दिस इज द कॉमन परसेप्शन कि कुछ लोग कह रहे हैं जी हम वापस नून लीग को वोट देंगे, आप नाम नहीं ले रहे थे मैं ले लेता हूँ, लेकिन जो ये तबाही है ये आज से तो नहीं आई है ना, ये एक क्यूमुलेटिव अफेक्ट हो रहा है जो आज हमें भुगतना पड़ रहा है, पीटीआई की गवर्नमेंट को भुगतना पड़ रहा है। अगर आप दोबारा उन चोरों को ले आएंगे तो हाउ डज दैट हेल्प, या तो कोई फरिश्तों की पार्टी बन गई हो, आप कहें जी मैं उनको दे रही हूँ वोट, फिर तो ठीक है लॉजिकल है, ऐसे तो वो सारे चोर वहाँ भी है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग की प्रॉब्लम ये थी कि हम चोर तो नहीं थे, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमें एक्सपीरियंस नहीं था। किसी की चोरी आप पे पड़ गई? किसी की चोरी पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, आप भी समझते हैं मैं भी समझता हूँ। खान साहब ने ठीक है ये बात जलसों में जरूर की थी कि हम लोग चोरों को पकड़ लेंगे, लेकिन चोरों को पकड़ने के लिए कोर्ट में एविडेंस चाहिए होता है। लेकिन सर खान साहब कोई चोरी करता है, अगर मैं किसी को रिश्वत देता हूँ या किसी से रिश्वत लेता हूँ तो ये तो खैर कुछ नून लीग वाले ज्यादा अकलमंद है जो अपनी वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन नॉर्मल चोर अपनी वीडियो नहीं बनवाते हैं। वाह वाह, इसी तरह से जो रिश्वत होती है वो पकड़ने के टाइम पे आप वीडियो नहीं बनवाते हैं, तो ऑब्वियसली फिर प्रूफ बड़ी मुश्किल है। मगर सर सर पॉइंट ये कि आप कह रहे हैं कि ठीक है पिछले 50 को तो देना, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कि भाई जिनको पहले ट्राई कर चुके उनको ना दें, अब बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमने तब्दीली के नाम पे दिया था तो ये लोग भी टेस्ट हो गए अब इनको भी नहीं, सो मे बी ये सेक्ट किसी चौथे की तरफ जाए अगर कोई चौथा इमर्ज हो गया, विच इज पाकिस्तान में क्या परिस्थितियां तो नहीं आएंगे ना। अव्वल तो मैं दुनिया में भी, अब एक दो साल पहले जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, वो भी मतलब जितनी उनके स्कैंडल्स आ रहे हैं कि उन्होंने कहां कहां फेवर्स लिए हैं गवर्नमेंट से, वो भी दुनिया के आगे। वो जो कोविड का हाल यूके में हुआ है जो बोरिस जॉनसन ने किया है वो भी आपके आगे। कम से कम अगर ठीक है पाकिस्तान के ऊपर देखें ना, अभी भी जब आप खान साहब की बात करते हैं तो ठीक है उनके बारे में उनकी कोई ना कोई पर्सनल लाइफ के बारे में तो अटैक बन जाता है, लेकिन आप मुझे बताएं एक आदमी 26 साल से सियासत में भी है, 2002 में एमएनए भी बने हैं, आज तक एक करप्शन स्कैंडल तो नहीं मिला किसी को उनके, लेकिन चाहे अपोजिशन आ जाए वो खान साहब की करप्शन के बारे में तो कभी भी बात नहीं कर सकते। सर उन्होंने कोई करप्शन नहीं की तो साडा ये हाल है, अगर उन्होंने करप्शन कर ली तो फिर मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है वो बिजली महंगी करवाने लगा है, एक अरसे से कुछ लोगों का कहना बहुत जल्दी वो घर जाने लगा है, जो कहता था कि घबराना नहीं है वो शायद खुद ही घबराने लगा है। आहो आहो आ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। किरण ये बताएं आपको ये मॉडलिंग का शौक बचपन से था या बचपन से ये बचपन मुझे यही लग रहा था ये बचपन से मॉडलिंग का शौक कैसे होता है? मतलब एक्टिंग का भी और मॉडलिंग का दोनों का बचपन से शौक था, पता नहीं क्यों लेकिन है। लेकिन अभी भी आप बचपन में ही हैं, आप ऐसे तो नहीं हैं। अभी आपकी एज ही कितनी है वैसे? तकरीबन एज नहीं पूछते, 22 या 1 होगी यार वो जो भी है तुम्हारा अंदाजा। मगर मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि खवातीन से उम्र नहीं पूछते, इन्होंने पूछ लिया करो। देखिए वो क्या कह रहे हैं हाँ। उनकी बात सुने हाँ। दरअसल मैं नादरा में ऑफिसर हूँ, मैंने शनाख्ती मगर इसका कोई तो देखिए फिर कम एज तो वही हुई ना 22 और 20 बाकी बिल्कुल ही छोटे हैं ना। मगर आपको बचपन से ही शौक था मॉडलिंग का भी और एक्टिंग का भी जी। और एक्टिंग फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगी तो मॉडलिंग करती। और आपके कोई हैं पसंदीदा एक्टर्स? उनके कोई नाम है जैसे लाइक एक्ट्रेसेस हैं मेरी सबा कमर इज माय फेवरेट, ठीक है आयजा खान ये फेवरेट है मेरी। सबा कमर आयजा खान आपकी फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं? जैसे लोग आपको लाइक करते हैं मसलन कि बहुत प्यारी हैं, कभी आपको भी ऐसा लगा कि ये बहुत प्यारा लड़का है? हाय बहुत दफा बता दें फिर आज मेरा नाम ले रहे हैं हाय कुछ नहीं जो हमारे हीरोज हैं पाकिस्तानी हीरोज वो भी बहुत माशाल्लाह प्यारे हैं। अब ड्रामो में जो आ रहे हैं नए फेसेस वो भी बहुत कौन कौन से हैं जो प्यारे हुए? फहद मुस्तफा अच्छे हैं। फहद मुस्तफा आप प्यारे हैं? अच्छा और फवाद खान? फवाद खान भी प्यारे हैं। फहद मुस्तफा और फवाद खान आप दोनों प्यारे हैं। कोई ऐसा कोई इंसान प्यारा है जिसका नाम फेस ना शुरू होता हो? नहीं नहीं इंडिया में भी हैं पसंद। इंडिया में भी कौन है? वो कौन से? वो तो शाहरुख है, शाहरुख के अलावा कोई नहीं हो सकता। इंडिया के अंदर
शाहरुख खान है और पाकिस्तान में फहद मुस्तफा और फवाद खान है। वैसे आपने कहा कि सबा कमर और आयजा खान आपकी फेवरेट, सर आपको अंदाजा है कि ये कौन खवातीन है? मुझे यही शक था। ये तो सर 2013 से पहले भी एक्टिंग कर रही थी। मैंने आखिरी जो ड्रामा देखा था वो धूप किनारे था, रात का आदमी मरीना खान, 85 में होगा क्या? धूप किनारे के बाद आपने ड्रामा देखा ही नहीं और कोई फिल्म वगैरह भी? कोई पुरानी अमिताभ की देखी होंगी, उसके बाद नहीं देखी। अमिताभ की जरी यकीनन कालिया आपको पसंद होगी। कालिया देखी हुई। वो आपकी लाइन जो आपने बोली थी उससे मुझे अंदाजा आ गया था कि कालिया आपको पसंद है। अगर आप लाहौर में होते तो कालिया की लाइन, कालिया की लाइन है, बड़ी मशहूर लाइन थी वो। अगर आपको लाहौर होते आप, मैंने आपको फिल्म दिखानी थी गुज्जर का खड़ाक। उर्दू में बोले मुझे समझ नहीं आया। उर्दू ही था, ये उर्दू ही है। वो कह रहे हैं कि उर्दू भी बहुत खराब है। गुजर का खड़ाक वो नहीं देखना चाहते होंगे। आप चाहे उनको ना दिखाने की ऑफर करते, लेकिन सर वैसे ही सुना भाई ये फवाद खान फहद मुस्तफा कौन है, कोई आइडिया आपको? मतलब कोई है ही नहीं आइडिया? नहीं मैं बता, आपके ख्याल से वैसे पाकिस्तान के अंदर आपने कहीं सुना कि टीवी इंडस्ट्री भी है और फिल्म इंडस्ट्री भी है? बता रहा हूँ ना, धूम किनारे देखा था। नहीं नहीं, उसके बाद सर उससे पहले तनैया देखा था, वारिस देखा था। वो आई अंडरस्टैंड कि आपने उसके बाद छोड़ दिया, लेकिन अब वैसे आप कभी सुनते हैं कि कोई काम हो रहा है टीवी और फिल्म पे? हाँ, ट्विटर पे मैं काफी एक्टिव हूँ, वहाँ पे नाम वाम आते रहते हैं लेकिन इग्नोर करता हूँ। क्यों, वो खास वजह है कि जब देखना नहीं है तो क्या फायदा था? मगर ऐसा क्या क्या बचपन में एक्टर तो नहीं बनना चाहते थे कि हो नहीं पाया तो आपने कहा कि बस नहीं अब मैं नहीं देखूंगा किसी को? नहीं, अभी भी विलियन का रोल तो मिल ही जाएगा। अच्छा, विलियन का रोल आपको लगता है कि आपको मिल जाएगा? ऐसे क्यों आपको फीलिंग आती है? क्योंकि आवाज बहुत अच्छी है, जोर से है। अच्छा, तो ये विलियन का काम तो करे, फोन पे दादागिरी तो बन ही सकता हूँ। मगर वैसे आपके कोई रहे हैं फेवरेट एक्टर्स? अमिताभ भी देखे, अमिताभ बच्चन, बस वहीं पे आवाज के साथ आपने जो एक रखी, उनकी आवाज भी अच्छी है, आपकी आवाज भी, तो बस आपने कहा यहीं पे बात खत्म हो गई है। मैं एक्चुअली कभी भी टीवी पिक्चरों का शौक नहीं था। टीवी तो ठीक है, म्यूजिक भी नहीं सुनते। नुसरत फतेह अली खान सुनता था, अमजद साबरी सुनता था। वैसे आपकी गाड़ी के अंदर कोई टेप रिकॉर्डर या कोई ऐसी चीज? सिर्फ कवाली है। नहीं नहीं, कोई लगा तो हुआ है ना? हाँ, सीडी प्लेयर है। मतलब सीडी प्लेयर है ना, वो टीवी की तरह आपने वो गाड़ी में? टीवी की तरह नहीं है, मतलब उसमें कवालियां सुनता हूँ। सुन लेते हैं ना ये। जब बेटी बैठती है तो वो तो फिर वो ब्लूटूथ पे कनेक्ट करके अपने फोन से सुन लेते हैं। अच्छा, अताउल्लाह साहब का आइडिया आपको? अताउल्लाह ईसा खेलवी, वो जो एक उसने खेत पीटीआई का कोई एक मशहूर गाना गाया था। जी जी, वो जब आएगा इमरान, पता नहीं कौन सा था लेकिन वो भी याद नहीं। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता? अच्छा सल साहब, आप बिल्कुल एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड में रह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई यार हर दुनिया में हर चीज में मेरे को आदमी जब शौक पैदा करता है तो वो किसी भी चीज में ज्यादा मास्टरी नहीं कर सकता है। लेकिन मेरा ये है कि जो भी काम करो उस पे फिर सही तरह स्टडी हो। ओके, एंड म्यूजिक एंड आर्ट्स इज नॉट माय, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। सोशल एप्लीकेशंस तो यूज करते हैं? ट्विटर। हाँ, ट्विटर यूज करते हैं वो। इंस्टाग्राम पे तो नहीं होंगे? मैं ट्विटर के थ्रू पीटीआई में आया था। ट्विटर के थ्रू पीटीआई में कैसे आया? मैं ट्वीट करता था वहां से, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने मुझे एक बार मैसेज किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा, उसके बाद, अच्छा मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि वो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल थे, 2012 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग की एक मीटिंग हुई, उन्होंने फिर मेरे को दावत दी कि आप पार्टी ज्वाइन करें, और ये मतलब बाकी पॉलिटिशियंस की तरह नहीं है पार्टी। उसके बाद मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, तो मैं ट्विटर के थ्रू पीटीआई में आया। तो अगर ट्विटर ना होता तो आज आप पीटीआई में ना होते? लॉजिकली लॉजिक अल्लाह रास्ते बहुत बनाता है, फिर कोई और रास्ता निकला, फिर कोई और रास्ता निकला था। जिसकी जहाँ किस्मत होती है वही होता है, वही होता है, वो रास्ता अलग अलग। सर से मुझे बताएं, किरण जो है शी इज अ मॉडल, तो आपको अंदाजा है कि ये मॉडलिंग कोई एक फील्ड होती है? आपने बातचीत शुरू कर दी तो उसमें बताया कि वो, मैंने कहा मैं टीवी नहीं देखता हूँ तो उसकी बात नहीं कीजिएगा। अच्छा, तो बताया नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ। आप इंस्टाग्राम पे? वो ये आप इंस्टाग्राम पे नहीं है? अकाउंट है लेकिन यूज नहीं करता। इंस्टाग्राम पे चलाना है वो क्या? मियां की वापसी, वो मैं इंस्टा पे चला रहा हूँ ना। मियां की वापसी? ये मियां की वापसी जल्दी में नहीं होगी। वो चाहे इंस्टाग्राम पे नहीं है, ड्रामा तुम्हारा नहीं चलने देंगे वो। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होना। अच्छा जी, ऐवी बातें बनी हुई है। सर, पीटीआई ज्वाइन करने से पहले आप किस पार्टी में थे? नहीं, किसी पर थे ही नहीं, सिर्फ ट्विटर पे थे। मैं वहां से सीधे पीटीआई में थे। दो ही चीजें बस थी, बीच में कुछ नहीं था उसके, और अभी तक वही हूँ। अभी तक वही है। क्या बात। किरण, आपकी मॉडलिंग के अलावा क्या क्या एक्टिविटीज? अरे शुक्र है, मैं तो इतनी देर लग रहा था गूंगी बैठी हूँ। जी उपमा, आपसे पूछना था कि आपकी मॉडलिंग के अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, यानी फ्री टाइम में आप यूजुअली क्या करते हो?
फ्री टाइम में ज्यादा कुछ नहीं, बस अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग कर ली इस तरह से। फ्री टाइम में शॉपिंग करती रहती है? ज्यादा शॉपिंग नहीं, मतलब अपनी फ्रेंड्स के साथ। अरे नहीं, मगर वैसे तो शूट्स वगैरह से इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन बहुत कम टाइम मिलता है, तो जो टाइम मिलता है फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना ज्यादा पसंद करती हूँ। सर, आप अगर कभी फ्री होते हो तो पढ़ते हो? कौन है आपके कोई फेवरेट राइटर्स? Top three, if I ask you. All, everybody. Everyone. Jeffrey Archer, John Grisham, Jonathan Black, Daniel De Silva. पता नहीं बहुत है। सर ये जिंदा है? ये दादा तो जिंदा है। सर ये जिंदा है? I read about 400-500 pages every day. 400-500 pages every day? Every day. सतल साहब ये तो एक मेरी गांव में लाइब्रेरी है जिसमें मेरे पास 10-15,000 किताबें। गांव में 10-15,000 किताबें आपने रखी हुई हैं, 400-500 पेजेस एवरीडे, दैट्स अ रिमार्केबल। कितनी देर में पेजेस पढ़ लेते हैं? एक दिन में बता रहे हैं। अबाउट 4 घंटे रोज। 4 घंटे में 400 पेज। एक कोर्स होता है स्पीड रीडिंग का, वो मैंने बचपन में किया था, उसमें हम लोग वावल्स ऑटोमेटिकली, जो आंख है ना वो वावल स्किप कर जाती है, तो रीडिंग स्पीड बहुत बढ़ जाती है। आपकी रीडिंग इतनी तेज है तो ये बताएं कि अकरम भाई के सर में कितनी जुवे हैं? अच्छा, मैं जवाब दे सकता हूँ लेकिन क्यों के बात। Good, how are you? You know, couple of weeks ago, my mama called me. Okay. She said, job मिल गई है तुम्हें? Okay. मैंने कहा नहीं मामा, अभी तो चौथा साल है। Okay. तो पंचवें साल के एंड पे गवर्नमेंट देती है जॉब। अच्छा। बट मामा कहनी है तुम प्रिंटेड मिरर का काम करो, उसमें बड़ा प्रॉफिट है। आजकल तो सारे घर लाते ने। ठीक है। हाँ जी, प्रिंट करके मिरर नु खूबसूरत बना के। ओके। बाद गज रोब लाइट भी लगा देंदे ने। ओ मैं शुरू कर लिया काम। ठीक है। यस आई वेंट टू द संबाजी, उनको मशीन पई सी। ठीक है। जापान दी मशीन। अच्छा। नंबर 1। ओके। उन्हें मैंने दिती, बट ओ लोडिंग अनलोडिंग दे विच ना उदी अगो नीडल टूट गई। ठीक है। वो फिर आई वेंट टू संबाजी, उन्हें क्या मैं तुम्हें ये बना दूंगा, वेल्डिंग करके दे दूंगा, तो यू हैव टू पे 9,000। उसके बाद कहना तुम करोड़पति हो जाओगे। ठीक है। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, तुम मुझे बना के दो तो मैं फालसे चौधरी से लेके आता हूँ। ठीक है। तो तुम्हें मैं 9,000 देना, 9,00,000 तुसी कमाने। ठीक है। वो 9,00,000 तुहाडा मैं आपको शो के बाद दूंगा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है पहली बात ये, और मेरे पास गेस्ट बैठे हुए हैं, मैं मिडल ऑफ द कॉल। आई लव योर गेस्ट, तो अरे गेस्ट बड़े कमाल हैं। मुझे लगता है आज आपको कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा जी। हाँ। क्या जी पार्टी देने? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आई लव पीटीआई। अच्छा। चलेगा फायदा नहीं। यस पीटीआई वाले चलेगा फायदा नहीं चुके अपनी गवर्नमेंट तो। अच्छा। पहले वाली गवर्नमेंट खा गई। अच्छा। सारा खा गई, किसी ने कोई फायदा ही नहीं होया। पीटीआई की जदन की हुकूमत आई है, कुछ लोगों के चेहरे से मुस्कुराहट आई है। अच्छा। वरना ऐश बाजी ने जिंदगी ची मैं कभी हसदिया नहीं देखा। पीटीआई की हुकूमत आई है, बाजी के चेहरे से मुस्कुराहट आई है। हाँ जी। यू नो दैट सर, रोजगार का मामला आपको पता है बड़ा खराब है। 9,000 तुम मैंने देना है, टोपी ना मेरी बेच देना। लो माशाल्लाह, मलका बरतानिया लग रहे हैं आप इसे। लो टोपी चली गई माशाल्लाह, मेरी दादी लग रही है। तेरी दादी ने दाढ़ी रखी सी? व्हाट हैपेंड विद यू? चलो ट्राई करो जल्दी तुम। मैं भी ओ जदों दा आ गए है बाजी ने केरी पाती है मॉडल है वो। ओह शी लुक्स लाइक अ मॉडल। हां हां। चलना आ गया इमरान मेरी जान, ओ बन गया नवाबान। नथिंग सर, नो हेल्प, नो प्रॉब्लम, तुम्हारी दुआएं ही मेरे वास्ते बड़िया ने। वो भी नहीं देनियां। ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਲਾਓ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਬੋਰੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੋ ਕੇ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਚੈਨਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। अगले दिन फिर कह रहे हैं टैक्स जो नहीं देते वो मुल्क में तरक्की के काबिल नहीं रहते, टैक्स चोरों को पकड़ लिया जाएगा। मैं कह यार कितना टैक्स लाना यार, नहीं देंदे असि टैक्स, टैक्स दे दे के तो मर गए हैं यार। शनाख्ती कार्ड बनवाओ टैक्स देना पैंदा, पासपोर्ट बनवाओ टैक्स देना पैंदा, किसी होटल च रोटी खाओ 22% टैक्स, मोबाइल खरीदो टैक्स,
वेचो टैक्स, हर गल ते टैक्स है, गड्डी लाओ टैक्स, वेचो टैक्स, प्रॉपर्टी खरीदो टैक्स, वेचो टैक्स, हर टैक्स है यार, बर्थ सर्टिफिकेट मंगाओ टैक्स, टैक्स, डेथ सर्टिफिकेट बनवाओ टैक्स, हुण साथ रह गया ला दियो टैक्स। इतना कमाल कीबोर्ड आप बजाते हैं यहाँ बैठे तो मुजाह भाई। अरे नहीं, भाई के साथ कैनेडा में इनके साथ भी आपने डॉलर नहीं होता था उसमें फीस देते थे ना, मेरे पास नहीं होते थे तो भाईजन देते थे। वहां जाके फिर सचल भाई, और सचल भाई नहीं है ये, ये सचल भाई। यार पीटीआई में बड़े बड़े अच्छे लोग हैं। कितने नहीं मतलब है उसमें भी यार, अभी तक आप लोग की रिश्वत पे टैक्स नहीं डाला है, अच्छे लोग ही है ना, इसकी रिश्वत पे तो कोई टैक्स नहीं है, सिर्फ बात कर सकता है, सिर्फ सुचल आदमी कर सकता है। ये हैं दीवान सचल साहब, ये ऐसे सियासतदान बड़े कम होते हैं अपने इलाके में, इतने खुश नसीब है वो लोग, जहाँ ये नुमाइंदे हैं वो जानते ही नहीं, वो गुर्बत को जानते ही नहीं, जहाँ उनको प्रॉब्लम हुई फौरन सचल साहब के पास आए, ये मदद करते हैं उनकी, जाहिर है कुछ ना कुछ बचता ही होगा। हाँ माँ चला ले के लिए MNA बनेंगे, CM बनेंगे, लो किरण जी आए ने थे, जस्सी आई नहीं, मैंने पता ही नहीं सी। टॉप जी मॉडर्न है ना जी, हाँ जो एक ना है। अच्छा ये गल कर रहे हैं किरण, पुत्र फौरन जवाब दे दिया, इन्हू कहते ने भी सियाना बंदा। किरण जी मां चला, मैं तो किरण जी ने मशवरा देंगा फिल्मां च काम करन। अच्छा बनने ना रहियां। अच्छा बनन गियां सर, एक फ्रेश फोटो में दे दियो, नायब वाले मेरी जान खान गए क्योंकि रह गए ने 1.5 साल सारा, उस तो बाद फिर भाईजान के लिए मैं जेल में कोयले लेके आऊंगा। अंदर सर्दी बड़ी होंगी। मैडम कहना आई हैव वन पिक्चर प्लीज। असल जी जेल ज्यादातर बाहर बनाई ना खुली जगह से, उत्थे फिर सर्दी बड़ी होंगी है, वो फिर सियासतदान साढ़े दोस्त होंगे ने, फिर मैं उन्होंने वास्ते कोयले लेके जाना था यार। लेकिन जो भी है तुम शहजादा पाकिस्तान च वाहद अफसर है। अच्छा जेड़ा सजाए मौत दे कैदी नु कह रहे होंदे यार अपने कपड़े मिन दे के जाना। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी, आवाम का सवाल क्या है आज, प्लीज अपना नाम बताइएगा और सवाल बताइए किनसे आप। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अवैज आहिद, मेरा क्वेश्चन सचल साहब से है कि सर इस टाइम गवर्नमेंट भी आपकी है, पार्टी भी आपकी है, आप लोगों ने क्या गरीबों के लिए किया कि नेक्स्ट इलेक्शन में मैं आपकी पार्टी या आपकी गवर्नमेंट को वोट दूं। थैंक यू। अवैज साहब ये तो आपको भी पता है एंड एवरीबॉडी हु फॉलोस द न्यूज आपको पता है जितना बड़ा एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है, ऑब्वियसली उससे गरीबों का ही फायदा हो सकता है ना एहसास प्रोग्राम से, अमीरों के लिए तो नहीं था। एंड सो फार वी हैव, मेरे को डॉक्टर सानिया निश्तर ने जो रिपोर्ट दिखाई थी, 5 करोड़ लोगों से ज्यादा का उसमें फायदा हो चुका है। नंबर 2 जो हेल्थ कार्ड लॉन्च हुआ है अभी, KPK में तो लॉन्च हो गया है, पंजाब में आई थिंक आप लोग शायद मिडिल में है अभी लॉन्च के। सिंध में PPP की गवर्नमेंट ने मना कर दिया जी हम नहीं दे रहे क्योंकि दिस इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ओके, लेकिन PTI की गवर्नमेंट KPK में दे चुकी है, पंजाब में ऑब्वियसली क्योंकि 18 के बाद ही आए हैं अब दे रहे हैं। ओके, एंड ये आई थिंक जो मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी थी नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ओएस साहब का जो सवाल था, देखे हेल्थ कार्ड तो वो है कि बीमारी तो अनफॉर्चुनेट है लेकिन हर खानदान में आती है, किसी के बड़े बीमार हैं किसी के छोटे बीमार हैं, और दैट इज नॉट रिजर्व फॉर एनी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये हेल्थ कार्ड मिडिल क्लास को भी मिलेगा, लोअर मिडिल को भी मिलेगा, गरीब को भी मिलेगा। तो हम सब उसी में आते हैं ना, जो अमीर है वो तो वैसे भी यहाँ नहीं होंगे, इधर कोई भी नहीं, इधर तो कोई लग नहीं शकल से अमीर। सब एक जैसे ही लग रहे हैं मुझे, एक घंटा यहाँ भी वर्षा बैठे आप नहीं लग रहे। वही बात है मेरी भी, वेल्थ स्टेटमेंट और मैं तो ऑब्वियसली एज ए MPA इनकम टैक्स स्टेटमेंट हमारी तो ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके देख ले मेरी भी हालत वही है। अगला जी मैडम,
अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नायाब जहरा है। मेरा सवाल सर से है कि पीटीआई महंगाई को कैसे कम कर सकती है? पीटीआई महंगाई कम कर सकती है लेकिन जल्दी में तो नहीं करेगी, अनफॉर्चुनेट, बट दैट्स द ट्रूथफुल आंसर। 100 साल वेट करें, 100 साल इशू, रियल इशू ये हुआ है कि जैसे 18 में जब एक दुनिया में रूल होता है शेडो गवर्नमेंट का, शेडो गवर्नमेंट में ये होता है कि अभी जैसे अगर एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कंजर्वेटिव चीज गवर्नमेंट चल रही है तो लेबर वाले शेडो गवर्नमेंट में, शेडो गवर्नमेंट में ये होता है उनको हर चीज एक्चुअल बताई जाती है कि जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है शेडो गवर्नमेंट में। यहां पे ये था कि अपोजिशन को तो आपको पता है कोई कुछ बताता ही नहीं है। तो 18 तक जब तक इलेक्शन हुई नून लीग वाले गवर्नमेंट में थे और उन्होंने जितनी फिगर्स पब्लिक को दी थी वो गलत दी थी। जब आप गलत फिगर्स दे रहे थे तो पॉलिसीज भी हमारी जो एक होता है ना प्री मैच्योर पॉलिसीज जो बनती है हुकूमत में आने से पहले, जिसको हुकूमत में आने से पहले जो पॉलिसीज बनती है वो सारी रद्दी के बास्केट में चली गई क्योंकि वो सारी बेस्ड थी गलत इंफॉर्मेशन पे। जब सही इंफॉर्मेशन मिली और सही इंफॉर्मेशन पे समझना शुरू किया, पहले तो हमारे काफी मिनिस्टर्स पहली बार मिनिस्टर बने थे, खैर उनको वो कहते हैं ना लर्निंग ऑन द जॉब हो रहा था और जो भी एक इशू हुआ इस पर मुझे याद है कि एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट भी की थी कि जी ड्राइवर हमने ऐसा रख लिया अपनी गाड़ी का जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती। भाई ये बात तो हम भी मानते हैं लेकिन जो पहले वाले ड्राइवर थे वो तो गाड़ी बेच देते थे। महंगाई कम होगी जरूर लेकिन आई थिंक इसमें अभी भी टाइम लगेगा, 6-12 महीने जरूर लगेगा, टाइम लगेगा जी। दैट इज माय आंसर टू यू। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आप 400 से 500 पेजेस इन अ डे पढ़ लेते हैं, तो आपकी इस बात से मैं रियली इंस्पायर हुआ। तो एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप यंग नेशन को कौन से नॉवल्स रिकमेंड करेंगे कि वो जो है ना वो नॉवल पढ़ के पॉलिटिकल अवेयरनेस हासिल करें? पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए जी एक तो इट्स नॉट ऑन पॉलिटिक्स इटसेल्फ बट वो पूरी जिंदगी के बारे में है, एक ऑथर है हरारी, हरारी जी, नोवा हरारी, उनकी जो सबसे पहली किताब आई थी सेपियंस के नाम से, वो अगर आप पढ़ लें तो उसमें पूरी दुनिया कहां से शुरू होती है और उन्होंने उस पर काफी अच्छी कवरेज की। इट्स नॉट पॉलिटिकल बट उसमें काफी आपको पॉलिटिकल नॉलेज भी मिलेगी। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर टू की एक बहुत फेमस किताब है विलियम शायरर की, द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइक। इससे आप देखें कि हिटलर ने कैसे लोगों को बेवकूफ बना के वोट लिए और आने के बाद क्या किया। ये 2-3 किताबें अगर आप पढ़ लें, आई थिंक आपको 2 किताबें इन्होंने बताई, आप ये पढ़ें जैसा इन्होंने कहा तो आई थिंक इट माइट हेल्प यू। मगर खैर ऑफ कोर्स जो स्पीड इनकी है और जो एवरेज है वो तो अचीव करते करते एक टाइम लगेगा, बट नॉनदलेस अगर आप किताब पढ़ ही रहे हैं चाहे जिस मर्जी स्पीड पे पढ़े, स्पीड का फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बात ये होती है देखें अनफॉर्चुनेटली हम लोग पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन हम सीखते कम है। मैं पढ़ तो बहुत सालों से रहा हूं, बचपन से आदत है, ये भी पता है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, अब तो शायद हर सिगरेट के पैकेट में भी लिखा होता है, बिल्कुल, लेकिन पी में अभी तक रहा हूं। सीखा कुछ नहीं, तो मैं ये चाहूंगा आप नौजवान है आप लोग सीखे कम से कम पढ़ के। मैं तो नहीं सीखा, बेवकूफ का बेवकूफ ही रह गया जिसको कहते हैं ना पढ़ा लिखा जाहिल, हम तो उस कैटेगरी में आ गए पढ़े लिखे जाहिल की। अल्लाह करे आप लोग कुछ उससे सीख भी लें जो पढ़े। सिगरेट के पैकेट में अब सिर्फ लिखा नहीं होता, अकरम साहब की तस्वीर भी बनी होती है। ना करो असल साहब, हमारा एक सेगमेंट है 2020 का, बेसिकली मैं आपसे सवाल पूछूंगा और मैं आपको साथ ही ऑप्शंस भी दूंगा एज एन आंसर, ठीक है? आपको उनमें से पिक करना है, विच ऑप्शन डू यू थिंक कि वुड बी योर आंसर? सच बोलना है या? सच बोलना है, वो आपकी मर्जी है बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास यहाँ बड़े बड़े लोग सब कुछ करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट है कि अगर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं देना चाह रही तो आप कह सकते हैं कि मैं जनरल नॉलेज पे जाना चाहूंगा या जाना चाहूंगी, दैट इज अप टू यू। वो एक ऐसा कोई आप सवाल नहीं कर सकते, करो बस, ठीक है, जबरदस्त हो गया। तो स्टार्ट किससे करें पहले? ये काफी देर से चुप बैठी है, इनसे स्टार्ट करें। जी किरण, आपसे स्टार्ट करते हैं। किरण ये बताइए, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, आपके फोन के अंदर एक कॉल का बैलेंस मौजूद है, ओके, वो कॉल किसको करना चाहेंगी बोरियत खत्म करने के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेख रशीद साहब और डॉक्टर आमिर लियाकत। एंटरटेनमेंट के लिए आई थिंक आमिर लियाकत। आमिर लियाकत से आपको कॉल होगी बोरियत खत्म करने के लिए। एक लिफ्ट के अंदर आई हैं, 3 लोग उसमें ऑलरेडी मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं HSY, दीपक परवानी और जैनब छुटानी। ओह माय गॉड, HSY, वो तो मेरा फेवरेट है। सेल्फी किसके साथ है पहले?
HSY का सेल्फी होगी, ठीक है जी। स्माइल किसको दे रही हैं? दीपक परवानी को स्माइल दे, स्माइल देती हैं। और फ्लोर किसका आ गया? जो लास्ट वाली है, ज़ैनब चुटानी का। मैं उनसे कहूंगी कि आपका फ्लोर आ गया, ठीक है जी। ज़ैनब चुटानी साहब, आपका फ्लोर आ गया हुआ है। मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है। रोज सुबह आप उठेंगी, आपकी नजर उस जॉइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी। किन का चेहरा देखना चाहेंगी उसके अंदर आप? मजबूरी में देखना है जी, मगर okay. फ्रेम बहुत बड़ा होगा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं, वो है मौलाना फजलुर रहमान और राणा सनाउल्ला। राणा सनाउल्ला साहब होंगे वो, क्या बात है। ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रही हैं, दो वीआईपी पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं। इस टाइटैनिक पर अपने साथ आप किन को लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब परवेज खटक। टाइटैनिक पे जा रही हूँ और ऑप्शंस कैसे हैं? तो और मैं आपके साथ क्या भेजूं? सेकंड वाले जो हैं परवेज खटक। परवेज खटक साहब को उन्होंने इंतखाब किया, उस्मान बुज़दार साहब को उन्होंने कहा बचा लिया है। हाँ, बचा लिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन उन्होंने भी नहीं डूबना जिन्नी की सेहत यार। ये बताए मैडम जी, डूबती कश्ती में सवार है, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, okay. एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, okay. वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, वो हैं जनाब फवाद खान, जनाब फहद मुस्तफा और जनाब दीवान सचल। गई? ओह माय गॉड, ये दोनों तो आई एम सॉरी, वो दोनों मेरे फेवरेट हैं ना। मैं कराची स्विमिंग कैप्टन रह चुका हूं अपने जवानी में, मैं पानी में नहीं डूबूंगा, डोंट वरी जी। मुझे तो मुझे बिना लाइफ जैकेट छोड़ दो। अभी इनके अलावा भी मसला ये है कि लाइफ जैकेट एक ही है, एक ही है ना, बंदे आगे वहां भी दो हैं। मैं फवाद मुस्तफा को भी नहीं डुबोना चाहती और फवाद खान को भी नहीं डुबोना चाहती। तो अपने आप को डुबा दो। नहीं, सचिन साहब भी दे दो उनको लाइफ जैकेट, अपनी नहीं उतार सकती वो लाइफ जैकेट, उनको एक देनी है। आप फिर जॉइंट वॉलेज पे जाना चाहेंगी? नहीं, उधर बहुत मुश्किल है। क्या बात है, ठीक है। ऐसे खेलते हैं जैसे सर खेलेंगे सचिन साहब, देखें जी। सर आप भी एक स्पेस रॉकेट में चांद पर जा रहे हैं, दो सीट से किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे वो चांद पर रह जाएगा, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पर छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, वो हैं मुराद सईद और शहजाद अकबर। दोनों को ही छोड़ दो, मुझे तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, एक छोड़ना सर, कोई भी छोड़ दो। आप बताइए, शहजाद अकबर साहब को छोड़ दो। शहजाद अकबर साहब आपको छोड़ दिया उन्होंने, आपको चांद पे भेज दिया, ठीक है। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल और एक को कहना यार तुम्हारा फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास है राजा अजहर खान, फिरदौस शमीम नकवी और खुर्रम शेरजमान। तो सेल्फी किसके साथ सबसे पहले ये बताएं? फिरदौस भाई। स्माइल किन को दे रहे हैं? राजा अजहर। और किसका फ्लोर आ गया? खुर्रम साहब को उतार देते। खुर्रम साहब आपका फ्लोर आ गया हुआ है। मजबूरी के तहत आप भी तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगा रहे हैं, रोज नजर पड़ेगी उस जॉइंट साइज फ्रेम पे। किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, वो हैं अरबाब गुलाम रहीम और जनाब चौधरी परवेज लही। दोनों से ना मेरी कोई मोहब्बत है ना कोई नफरत है, बस एक नाम ले दीजिए फिर। अरबाब साहब सिंध के, उनको रख लेते हैं। अरबाब साहब आपका चेहरा देख लेंगे वो। सर ये बताएं, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, दो वीआईपी पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, वो हैं शहरी रहमान और डॉक्टर फिरदौस आशिकवान। डॉक्टर शहरी रहमान इंटेलेक्चुअल है, मजा आएगा दो तीन बातें करने में, दो तीन बातें कर लेंगे। फिरदौस आशिकवान साहिबा के साथ पंजाबी में, मेरे को पंजाबी आती नहीं है, ठीक है, तो सिखा देंगी। तीन दिन में क्या सीखेंगे, उसके बाद वैसे ही डूबना है, ठीक है। सर ये बताएं, इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसका फोन आया तो आप अपने चारों फोन जो है बंद करके साइड पे रख देंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं, वो हैं जनाब फवाद चौधरी, जनाब शहबाज गिल और जनाब शाह महमूद कुरैशी। तो ये बताएं कि किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे? क्या साहब, किसका फोन आया तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? अगेन इट डजंट मैटर, शहबाज गिल। और फोन बंद करके रख दिया आपने फवाद चौधरी के लिए, ठीक है। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, वो हैं जनाब इमरान इस्माइल, जनाब फैसल वाडा, जनाब अली जैदी। अली भाई, अली जैदी साहब को मिलेगी, गवर्नर को नहीं दी इन्होंने लाइफ जैकेट, ठीक। इमरान साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। किरण आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।